नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल के कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर के आए हम। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बालू, बालू उत्तर प्रदेश, बालू उत्तर प्रदेश। तो बालू, ये जो हड़प्पा स्थल है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये है हरियाणा का, ठीक है। और मांडा, मांडा ये जम्मू कश्मीर का ही है, ये सुमेलित है। और पादरी की जगह पर डाडलिया कर लीजिए, पाडरी है ये। पाडरी जो है ये गुजरात का हड़प्पा स्थल है। और हुलास, हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश का है। चलिए, तो ये रहा सुमेलित आपका। आगे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, फिर से दोबारा है सुमेलित करने के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला है सिंधु घाटी सभ्यता चरागाह, उत्तर वैदिक समाज जमींदारी, ऋग्वैदिक समाज कृषक, मध्यकाल नगरीय। तो अब इसमें कौन से काल में क्या था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी आपने पढ़ा होगा कि इसमें नगर निकले तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय हो गई। इसके बाद उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक समाज जो कैसा रहा है, उत्तर वैदिक समाज रहा है कृषक। ऋग्वैदिक समाज में, ऋग्वैदिक समाज में चरागाह थे, ऋग्वैदिक समाज चरागाह। और मध्यकाल जो था, मध्यकाल में जिमीदारी व्यवस्था रही। तो ये हो गया सुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? औदे, बोरी, बागौर और लखनिया। तो यहाँ पर एक तो ये बागौर हो गया, ये राजस्थान में है, कहाँ है, राजस्थान में। और दूसरा पशुपालन के प्रमाण बागौर में ही मिले हैं, ठीक है, एक ही है। और बाकी औदा, बोरी, लखनिया इनमें नहीं मिले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, उसको देख लीजिए पीछे। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, देखिए ये दिया हुआ है, बागौर ये राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, इस जगह यानी राजस्थान के बागौर में और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिले। और मध्य पाषाण काल में ये हथियार प्रयुक्त होते थे, बहुत छोटे थे, इसलिए मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ कहा जाता है। और इस काल में अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और मैदहा नामक स्थान पर मिले हैं। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के दो जगह हैं, सराय नाहर राय और मैदहा, इन दोनों स्थानों पर मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो कालीबंगा तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, लोथल भी नहीं, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और हुलास उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आलमगीरपुर ये मेरठ ज़िले में है और हुलास ये सहारनपुर ज़िले में है, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। देखिए ये दिया, आलमगीरपुर मेरठ ज़िले में हिंडन नदी के तट पर है, हुलास सहारनपुर ज़िले में है और लोथल गुजरात अहमदाबाद, ये गुजरात का है लोथल, और कालीबंगा राजस्थान का, ये दोनों भी हम पढ़ चुके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र में तीन मानव, एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल निकले हैं, सराय नाहर राय से, दमदमा से, मैदहा से, लंगनाथ से। तो ये जो दमदमा है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में है। यहाँ से एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले हैं और इनमें से यहाँ पर जो खुदाई हुई थी तो 41 मानव कंकाल सबरे मिले थे। 41 में से 35 ऐसे थे जिनमें एक एक कब्र थी और 5 ऐसे थे जिनमें दो दो कब्र थे और एक ऐसा था जिसमें तीन मानव इकट्ठे थे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये विंध्य क्षेत्र का लेखैया है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ज़िले में 17 मानव कंकाल मिले हैं, लेकिन कहीं कहीं किताबों में मिलता है इनमें 27 मानव कंकाल, ऐसा भी मिलता है कि 27 मानव कंकाल मिले हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, तो ये माडा राजस्थान, जबकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभी मांडा जो है राजस्थान का नहीं है, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और दायमाबाद ये अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये है महाराष्ट्र में। कालीबंगा भी पढ़ चुके हैं, कालीबंगा राजस्थान में है कहीं राजस्थान, ऑप्शन ये रहा। और राखीगढ़ी नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन राखीगढ़ी हरियाणा का है, ठीक है। तो ये हो गया सुमेलित।